हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में टॉप फार्मेसी कॉलेज का लिस्ट चाहते हैं और कुछ ऐसे कॉलेजेस का लिस्ट चाहते हैं जो कि PCI अप्रूव्ड है और उसमें किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है, जो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में खोज रहे हैं, तो कैसे वो लिस्ट मिलेगा? तो वो लिस्ट आपको किसी अन्य स्टेट का तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मैं एकदम ऑफिशियल लिस्ट आपको खोजने बता सकता हूं कि आप अपने जिले में एक बेहतर फार्मेसी कॉलेज कैसे सर्च करेंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में ऑफिशियली दिखाऊंगा कि आपके उत्तर प्रदेश में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने एडेड कॉलेज हैं और कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, और किसी एक डिस्ट्रिक्ट का सर्च करके दिखाऊंगा। वैसे आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी का आज रिजल्ट भी आने वाला है, तो जब तक रिजल्ट आता है, जैसे ही रिजल्ट आता है, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से या तो कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से नोटिफाई कर दूंगा, आप अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। और बात रही आज के इस वीडियो की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, BTUP के वेबसाइट पर जाना है। अभी तक आप JEE CUP का वेबसाइट चेक कर रहे थे, तो वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आप यदि किसी फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन चाह रहे हैं तो वो कॉलेज आपका क्या कहते हैं, वो कॉलेज आपको बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं दिखाता हूँ। गूगल में आए, गूगल या कोई भी आपके पास ब्राउजर है उसमें क्या सर्च करेंगे, BTUP। जैसा कि देखिए मैंने सर्च कर रखा है, ये BTUP सर्च किए और यहाँ पे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में आ गए। ये हमारा वेबसाइट खुल के कुछ इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर्च योर इंस्टीट्यूट ज्योग्राफिकली, यहाँ पे पूरा उत्तर प्रदेश का मैप दिख रहा है, जिसमें कि आपको किसी भी जिले पर अगर क्लिक करेंगे तो वहां पर कॉलेज देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, आसान मेथड में बताता हूँ। यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाला सेक्शन दिख जाएगा, इसमें क्लिक करिएगा। जब आप इंस्टीट्यूट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा, जैसा कि मेरे खुल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, यहाँ पे देखिए दिख गया आपको इस तरीके से, इंस्टीट्यूट टाइप, डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच ऑफर्ड। आप इंस्टीट्यूट टाइप में सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि कितने टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट डाल दिए। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो मैं एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं सर्च कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ऑल डिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और ब्रांचेज में तो 214 नंबर पे आ जाइएगा, 214 नंबर पे आपका फार्मेसी है, ठीक है। तो 214 नंबर पे फार्मेसी, देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी है ना, इसको सर्च कर, इसको लगा करके इसके सर्च पे क्लिक कर देंगे। जब इसके सर्च पर क्लिक करेंगे आप तो देखिए कुछ इस प्रकार से खुलेगा, ठीक है। और नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा लेट से रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए मेरे पास तीन कॉलेज का लिस्ट आ गया है। एक्सीलेंस सेंटर ऑफ फार्मेसी लखनऊ का इस बार नाम नहीं दिखा रहा है, तो अगर नहीं दिखा रहा है तो हम नहीं मानेंगे कि उस कॉलेज का लिस्ट में नाम रहेगा। तो आप यही तीन गवर्नमेंट कॉलेज मानेंगे, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अलाहाबाद, फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर, है ना। और सबका डिटेल देखना चाहते हैं, मान लीजिए किसी कॉलेज का डिटेल्स देखना चाहते हैं कि कहाँ है वो एक्चुअली, तो यहाँ व्यू डिटेल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल जाएगा उस कॉलेज का डिटेल। अब बात कर लेते, देखिए खुल गया हमारे पास डिटेल। इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी में कितने सीट है, तो 44 सीट है। किसमें, तो आपका कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी में, ओके। अब इसमें आपको मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉल करके भी इससे पूछ सकते हैं फी वगैरह क्या रहने वाला है। वैसे ज़्यादा बहुत कम संभावनाएं हैं कि इस कॉल के, इस नंबर पे कॉल आपको रिस्पांस मिले। और ये वेबसाइट आप जरूर विजिट कर लीजिए किसी भी कॉलेज का, उससे आपको और डिटेल में पता चल जाएगा कि उस कॉलेज में क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध है। अब बात कर लेते हैं एडेड कॉलेज की, कितने एडेड कॉलेज हैं। तो चलिए एडेड कॉलेज में आते हैं और एडेड कॉलेज की बात करते हैं हम लोग, तो एक सेकेंड, यस, जब हम लोग एडेड कॉलेज की बात करेंगे तो एडेड में भी उसी प्रकार से आप सर्च करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए इतना स्लो काम कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा कि ये प्रॉपरली काम करे, ठीक है। चलिए देखते हैं आराम से फिर से, यहाँ पे क्लिक करके इंस्टीट्यूट में आ गए। जब इंस्टीट्यूट क्लिक करने का आता है ऑप्शन, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा नेटवर्क एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों कल से मेरे तरफ नेटवर्क स्लो हो गया है। जी तो ये ओपन हो गया हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में इस बार क्या डाल देंगे, एडेड, और डिस्ट्रिक्ट में ऑल, पूरे यूपी का बात कर रहे हैं, और ब्रांचेज में हम लोग क्या रख देते हैं, 214 नंबर पे फार्मेसी, 214 नंबर फार्मेसी, ठीक है। ये देखिए हम लोग सर्च कर दिए हैं,
अब थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है प्रोसेस, ये नेटवर्क के कारण ऐसा होता है। वैसे तो खुलना चाहिए स्पीड में, लेकिन मेरे पास नेटवर्क अभी फिलहाल वो इतनी अच्छी स्पीड में नहीं है, लेकिन हाँ खुल गई। देखिए दो वो एडेड कॉलेज है, एक है जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद बुलंदशहर में है, इसका डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा है श्री रमा देवी रामदयाल त्रिपाठी गर्ल्स पॉलिटेक्निक कानपुर, ठीक है। ये दोनों एडेड कॉलेज है। अब आपको क्या सर्च करना है, एडेड नहीं भैया प्राइवेट कॉलेज सर्च करना है, और अपने डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए कोई आगरा डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, सबसे पहला ये आगरा मान लेते हैं, आगरा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप और आपको फार्मेसी चाहिए, सर्च किया हुआ पहले से सेलेक्ट किया हुआ है, सर्च कर लिए, ठीक है। अब देखिए आगरा डिस्ट्रिक्ट के सारे प्राइवेट कॉलेज दिख गए यहाँ पे, यहाँ पे कुल मिलाकर के आगरा में 25 फार्मेसी कॉलेज हैं जो कि आपको करवाता है फार्मेसी, और जो भी लिस्ट में नाम दिया हुआ है सब PCI अप्रूव्ड है, तभी इस लिस्ट में नाम है, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी कॉलेज के बारे में डिटेल्स पता करिए, यहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हैं, फी वगैरह प्रॉपर पता चल जाएगा, और इसका नाम आप ऐड कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में। इसी तरीके देखिए यहाँ पे जैसे RB कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फिर है DRB कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तो कई सारे कॉलेज फार्मेसी के हैं, तो इस तरीके से आप BTUP के वेबसाइट से अपना चेक कर सकते हैं। और कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों को बताया था कि भैया ऐप पर लाइव आने वाले हैं, आपसे बातचीत हो जाएगी, तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें कुछ बच्चों ने मुझे हेट किया कि सिर्फ पेड क्लासेस बच्चों को ही आप देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भैया, यूट्यूब पे कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जिसमें कि आपको आपसे डायरेक्टली बात हो पाए, लेकिन ऐप पर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इसलिए मैं ऐप पर एक बच्चों को नोटिफाई कर दिया, जो बच्चे कम से कम पेड क्लासेस में हैं उनका मदद हो जाए। वैसे कोई ऐसी सुविधा नहीं जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड कि सिर्फ ऐप पेड वाले बच्चों को मैं बताता हूँ आपको नहीं बताता हूँ, यही चीज़ें उन्हें बताया था लाइव में, आपको रिकॉर्डेड के माध्यम से बता दिया है कि नहीं। और बात रही मेरे पढ़ाई में से क्वेश्चन आने की, तो आपके कहने से आप एक दो लेक्चर देखेंगे तो आपको नहीं मेरे पढ़ाई वे से मिलेगा, ये मैं लिख के दे देता हूँ, लेकिन हाँ आप यदि सिस्टमेटिक वे में मेरे साथ पढ़ेंगे तो ये भी कंफर्म है कि मेरे बच्चों ने 35-40 क्वेश्चन तक कहा, और मैंने खुद क्वेश्चन देखा 40+ क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे पढ़ाई वे से आया है, डायरेक्टली अभी भी लेक्चर्स अपलोडेड है ऐप पर, वहां से आप मिला सकते हैं, उनसे MCQ वगैरह जहां से कराया था उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप लोग YouTube के भरोसे रहते हैं, YouTube पे कुछ ही चीज़ें दी जाती है ना, आप यही सोचो कि सारी चीज़ें अगर फ्री अवेलेबल करा दी जाएंगी तो जो एक सिस्टम चल रहा है क्या वो चल पाएगा, आपको लग रहा है प्रॉपरली आपको चीज़ें मिल पाएगी? हाँ, आपसे अगर भारी भरकम अमाउंट रखा जाता तो बात अलग है। लास्ट टाइम पे 199 में आपको कोर्स मिला, उससे पहले मैंने 499 रुपये प्राइस रखा, 499 रुपये में साल भर आपको पढ़ाया, रोज लगभग लेक्चर्स आते रहे, तो क्या आपको लगता है कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उतना दे पाएगा और सिस्टमेटिक वे में हमारी टीम काम कर पाएगी? चलो मैंने तो पिछले साल फ्री में किया था, इस बार भी कर लेता, लेकिन क्या हमारे टीम के साथ जो काम कर रहे, जिसको मैंने ऐड किया है, उनको PPT वगैरह बनाते, क्या वो फ्री में काम करेंगे, आपको ऐसा लगता है? नहीं ना। तो इसलिए एक फंड की जरूरत होती है। वैसे आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग काफी मेहनत किए, कुछ बच्चों ने मेरे बहुत अच्छे स्कोर भी किया है, रिजल्ट आने की देरी है, उनसे मैं मिलवाऊंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और लाइट कट गई तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।